Again, good morning everyone, and today topics we are going to start with filled effect transistor, jiska naam hai FET. Theek hai? So filled effect transistor hum ise kyun bolte hain, why it is called FET? Filled ka matlab hota hai ki jahan pe ki electromagnetic field develop ho. Aur electromagnetic field kab develop hota hai? Jab generally kahin pe positive negative yani ki potential develop ho. तो पहली लाइन देखिए, आप इसमें दिखा रखा है कि इस केस में FET के केस में जो हम करंट फ्लो यानी कि आउटपुट जो करंट फ्लो होता है ID, उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय एन एक्सटर्नल वोल्टेज. यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल वोल्टेज इन द सेंस ऑफ DC जो बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे कि उस वोल्टेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, क्योंकि फील्ड जनरेट होता है वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से, और उसके थ्रू हम करंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ये कहलाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. और सबसे अच्छी बात जो जब मैंने BJT शुरू किया था तब बताया था, यूनिपोलर डिवाइस. ये एक यूनिपोलर डिवाइस है, मतलब कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के करंट की फ्लो की वजह से होता है, यानी कि वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज नथिंग बट मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा तीन चार पॉइंट में हम देख लेते हैं कि JFET में एंड BJT में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे मैं JFET की बात कर रहा हूँ, सिर्फ FET की बात नहीं. JFET का मतलब यहाँ पे हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. तो सबसे पहली बात तो ये यूनिपोलर डिवाइस है. It is an unipolar device, so its operation depends on the current flow of majority carrier. जबकि BJT क्या है? Bipolar device है. उसमें current का flow किसकी वजह से होता है? दोनों charge carrier की वजह से होता है, यानी कि majority as well as minority की वजह से. दूसरा point, FET has very high input impedance. और अगर आप BJT की बात करो तो BJT में इनपुट इम्पिडेंस लो होता है, आउटपुट इम्पिडेंस हाई होता है. इसमें अपोजिट हो गया, FET हैज वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसकी वजह से जो इनपुट करंट जो होती है वो नहीं फ्लो हो पाती है. थर्ड पॉइंट, FET हैज बेटर थर्मल स्टेबिलिटी. यहाँ पे वर्ड है थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी. FET का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी काफी कम होती है. ओके, इसके बाद है FET इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइज. जहाँ पे की BJT जो है उस पे नॉइज का इफेक्ट ज्यादा होता है, जबकि FET पे काफी कम होता है. एंड द लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, FET रिक्वायर्स लेस स्पेस देन BJT. यानी कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसमें जो हमें कंस्ट्रक्शन करने का या मैन्युफैक्चर करने का जो एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए, वो काफी कम रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू दैट्स वाई इट इज मोर प्रेफर्ड ऑन इन IC इंटीग्रेटेड सर्किट में ज्यादा हम FET का यूज करते हैं. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का. ये इसमें करंट का फ्लो फील्ड को कंट्रोल करके यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू हम लोग करते हैं, जबकि BJT में क्या होता था? आउटपुट करंट इनपुट करंट के थ्रू कंट्रोल होता था. यहाँ पे आउटपुट करंट वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप होता है और इसे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं. अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. ये यूनिपोलर डिवाइस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये यूनिपोलर डिवाइस है क्योंकि इसमें करंट का फ्लो सिर्फ एक करंट की वजह से होता है. ओके, सो ओके, इन दिस स्लाइड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, टाइप्स ऑफ FET, मतलब टोटल कितने टाइप्स के FET होते हैं. तो पहला हमारा हो गया FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को मेनली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो हमारे अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमें पढ़ना है वो FET और दूसरा MOSFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. अभी हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में FET के बारे में, फील्ड इफेक्ट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में. तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल. एन चैनल और पी चैनल में से जैसे हम लोग वहां पे NPN और PNP होता था, यहाँ पे जो है वो एन चैनल और पी चैनल हो जाएगा. तो ये और जो नीचे जो ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक दिखा रखा है हमने, ये जो है इसके सिंबल है, यानी कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने NPN और PNP को रिप्रेजेंट किया था, उस तरीके से यहाँ पे एन चैनल पी चैनल. सिमिलरली यहाँ पे MOSFET के दो टाइप हो जाएंगे, डिप्लेशन टाइप एनहेंसमेंट टाइप, और फिर डिप्रेशन के दो टाइप हो जाएंगे एन चैनल पी चैनल, और इनहेंसमेंट के भी एन चैनल पी चैनल. इसका डिस्कशन हम लोग जो है वो आगे वाले क्लास में करेंगे, बट आज की क्लास में हम लोग सिर्फ देखेंगे JFET के बारे में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में. आई होप इट इज क्लियर. ओके,
So आगे बढ़ते हैं. In this slide, we are going to see construction part of JFET. तो construction part मतलब इसका हम बनाते कैसे हैं और JFET दिखता कैसा है वो आप लोगों को इस डायग्राम से क्लियर हो पा रहा होगा. JFET का जो construction होता है वो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझना इसको. एक जैसे मान लो कि मुझे n चैनल बनाना है, पहले हम n चैनल की बात करते हैं. तो क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया है, जो सबसे बड़ा एरिया ब्लू कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को हम पूरा n चैनल का एक सबस्ट्रेट ले लेंगे, मतलब एक n टाइप का सेमी कंडक्टर मटेरियल ले लिया हमने, है ना. तो इसको मतलब है कि n टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल को हमने ले लिया और n टाइप के सेमी कंडक्टर मटेरियल पे ऊपर की तरफ ओमिक कॉन्टेक्ट, ओमिक कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया कि मेटेलिक कॉन्टेक्ट हमने स्टेब्लिश कर दिया अपर साइड में एंड लोअर साइड में. अपर एंड लोअर साइड उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन एंड सोर्स. इसके बारे में थोड़ा अगली साइड में मैं ज्यादा डिटेल में जिक्र करूंगा कि ड्रेन एंड सोर्स क्यों कहते हैं इसको, ठीक है. तो जैसे उसमें एमिटर बेस कलेक्टर था, इसमें हो गया ड्रेन सोर्स एंड गेट. तो ड्रेन एंड सोर्स किससे बना, एन टाइप के मटेरियल से, एन चैनल में, ओके. इसके बाद सेकेंड टाइप में क्या करेंगे, जहां पे कि हमने बात की है, बोथ साइड ऑफ एन टाइप मटेरियल इज हेवली डोप्ड एंड पी टाइप रीजन आर formed by allowing the diffusion of PN junction. Okay, so अब क्या करेंगे कि पूरे जो n type का material है उस पर दोनों side में ये देख सकते हो जो ये regions है, दोनों side में n type के materials को diffuse कर देंगे और इसकी जो p type की जो doping होगी, p type materials की, वो यहाँ पे ये उल्टा किया हुआ है, n type material हम लेते हैं लेकिन डोपिंग जो करते हैं वो हेवीली डोप्ड पी टाइप मटेरियल लेते हैं, यानी कि एन टाइप की डोपिंग जो होती है वो कम होती है और पी टाइप की जो डोपिंग होती है ज्यादा होती है. देखिए एन टाइप मटेरियल इज लाइटली डोप्ड, जहां पे कि बोथ पी टाइप मटेरियल्स आर हेवीली डोप्ड, यानी कि पूरे एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में दो पी टाइप के इस तरीके से रीजन्स को हमने दोनों साइड में डोप्ड कर दिया है, ठीक है. और दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करने के बाद जो टर्मिनल बनता है उसको हम लोग गेट टर्मिनल बोलते हैं. यानी कि इस लाइन को देखिए आप, ए थिन रीजन बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल इज कॉल्ड चैनल. और इसके बीच में ये देखिए, ये जो बचा रीजंस, ये जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो दो पी के बीच में ये जो चैनल बनता है, इस चैनल किसका चैनल बनेगा, ये एन का चैनल बनेगा, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं हम लोग एन चैनल JFET, ठीक है. और जो दोनों पी टाइप मटेरियल है उसको आपस में जो इंटरकनेक्ट करते हैं और उससे जो टर्मिनल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट टर्मिनल. रिपीट करता हूं फिर से, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया पूरा, इसके उसमें दोनों अपर साइड एंड लोअर साइड में हमने मेटेलिक कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर दिया, उसके थ्रू जो अपर साइड में को हमने ड्रेन और लोअर साइड को हमने जो है वो सोर्स ले लिया. देखिए अपर एंड लोअर इस फिगर के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दो तो फिर ये इस लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगा. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपर एंड लोअर लिखा है. इट्स नॉट कि मतलब ऐसे ही होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टली भी इसको रोटेट कर सकते हैं, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है ऐसे हो सकता है. इसके बाद दोनों साइड में, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर, इस फिगर के हिसाब से लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर में पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज कर देंगे, जिसकी की डोपिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एन टाइप, है ना. और इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक जो टर्मिनल बनाएंगे उस टर्मिनल का नाम होगा गेट टर्मिनल, यानी कि ड्रेन सोर्स एंड गेट. जैसे उसमें होता था इमिटर कलेक्टर एंड बेस, यहाँ पे होगा ड्रेन सोर्स एंड गेट. और यहाँ पे जो बीच में जो चैनल बनेगा दो पी के बीच में, क्योंकि ये मटेरियल एन का है तो चैनल एन का चैनल बनेगा, यानी कि इसके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पास कर पाएंगे, इसीलिए ये कहलाता है एन चैनल JFET. JFET का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. अब इसके बाद दो चीजें और बताई मैंने कि पी टाइप जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और एन टाइप जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है, सॉरी उल्टा, पी टाइप जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है और एन टाइप जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है. क्यों होता है हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा. तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल JFET हो गया. जब मैं पी चैनल JFET की तरफ जाऊंगा तो पूरा ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये पी की जगह पे एन और एन की जगह पे पी बन जाएगा, ठीक है. तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. फ्रॉम द आफ्टर कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये मैं आप समझाने जा रहा हूँ ड्रेन सोर्स एंड गेट के बारे में. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये रीजन ड्रेन कहलाता है, है ना. इसके बाद ये वाला रीजन सोर्स कहलाता है और ये जो इनिशियल ये जो रीजन है उसको हम लोग गेट बोलते हैं, ठीक है.
अब इन तीनों को मैं नल तो सबको पता ही है, नल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखना सब लोग ध्यान से। अब नल में क्या होता है, एक सोर्स जहां से पानी निकलता है टैंक से, और इसके बाद ये एक टैप के थ्रू, नल के थ्रू जो है वो नीचे ड्रेन में जाता है, सिंक में, है ना, ये ड्रेन का रीजन हो गया। अब इसका मतलब ये है, ध्यान समझना, कि जो सोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का सोर्स होगा, यानी कि एन चैनल में इलेक्ट्रॉन का सोर्स और पी चैनल में ये होल्स का सोर्स होगा, यानी कि वो टैंक में जो वाटर टैंक है उसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, यानी कि ये जो सोर्स है यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, तभी ये एन चैनल है तो ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा यहाँ पे, क्लियर, ओके। इसके बाद अब ये गेट है, तो ये गेट क्या करेगा कि गेट जो है वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा, यानी कि ये गेट जो है वो करंट के फ्लो को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है ये वाटर फ्लो को कंट्रोल, यानी कि सोर्स से जो भी फ्लो होके आएगा उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब ये ड्रेन में, यानी कि जो भी वाटर यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सोर्स ऑफ होल्स हैं वो किस में चले जाएंगे, ड्रेन में चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकल के और ड्रेन की तरफ चले जाएंगे, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि ड्रेन में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स निकलेंगे सोर्स से और ड्रेन की तरफ जाएंगे, गेट उसको कंट्रोल करेगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, देखो ये जो मैं डायरेक्शन दिखा रखा है, ये डायरेक्शन जो हो गया वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ कैरियर्स हो गया। लेकिन करंट का फ्लो कैसे होगा, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो उसका डायरेक्शन, करंट का फ्लो जो होगा उसका इसके अपोजिट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यानी कि ये देखिए, दिस इज द फ्लो ऑफ कैरियर है, ड्रेन से सोर्स से ड्रेन की तरफ, और करंट का जो फ्लो होगा वो सोर्स से ड्रेन से सोर्स की तरफ होगा, है ना। सोर्स से ड्रेन द फ्लो ऑफ कैरियर एंड फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, चाहे वो एन चैनल हो या पी चैनल हो। डिफरेंस क्या आएगा, अंतर क्या होगा कि एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एंड पी चैनल में होल्स का फ्लो होगा, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन ये जो फ्लो ऑफ करंट है इस डायरेक्शन में वो सिर्फ एन चैनल में ऐसा होगा, पी चैनल में क्या होगा, पी चैनल में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो फ्लो होगा वो दोनों, सॉरी, होल्स एंड करंट का फ्लो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एन चैनल के लिए है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होगा तो करंट का फ्लो जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। और ये है इसका सिंबल, मतलब इसी को सिंबल के जैसे हमने एनपीएन दिखाया था उस तरीके से यहाँ पे दिखाया है, ऊपर की तरफ ड्रेन, ये सोर्स, और एन चैनल को हम यहाँ पे एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ रखते हैं, तो ये कहलाएगा एन चैनल जेफेट। कंस्ट्रक्शन पार्ट में अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल का मतलब ये हो गया कि जस्ट अपोजिट, जहां पे यहाँ पे एन पी था वहां पे एन हो गया, और जहां पे एन था वहां पे पी हो गया, यानी कि चैनल जो बन गया वो पी का बन गया। बाकी ये ड्रोन एज इट इज है, सोर्स भी एज इट इज है। हम देख रहे हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल पे जाएंगे तो क्या होगा कि जस्ट सारी कुछ चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, और जो ड्रेन एंड सोर्स और गेट एज इट इज रहेंगे, चैनल जो है जो एन का था वो पी का बन जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड एन हो जाएगा, जहाँ वहां पे दोनों साइड में क्या थे, पी थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये सोर्स जो हो जाएगा, अब ये होल्स का सोर्स हो जाएगा यहाँ पे, और करंट का फ्लो जो सोर्स का फ्लो इधर से ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे करंट का फ्लो भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये अंतर है, ठीक है। इसका वर्किंग पार्ट देखिए, वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट। तो एन चैनल जेफेट वर्किंग को हम तीन से चार पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहला अनबायस्ड जेफेट, तो अनबायस्ड जेफेट का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था एज इट इज है। तो जब ऐसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे एन और पी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बन जाएगा, पीएन जंक्शन बन जाएगा, है ना, यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक पीएन जंक्शन बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जहां भी एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल एक साथ आते हैं वहां पे पीएन जंक्शन बन जाता है, बिना किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स के, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, पीएन हमने पढ़ा था, है ना। तो नो बायस कंडीशन, सिर्फ डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, ध्यान से समझना लाइन को, डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, दो जंक्शन बनेंगे इस साइड और इस साइड, लेकिन इस नो बायस कंडीशन में करंट का फ्लो जीरो होगा, नो करंट विल फ्लो, ठीक है। तो इस केस में नो बायस कंडीशन में करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, है ना।
अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये तो नो बायस कंडीशन है. नो बायस कंडीशन में कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है दोनों साइड में, पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन, और इसकी वजह से कोई भी करंट का फ्लो जो है यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ जंक्शन क्रिएट होगा अनबायस कंडीशन में. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तीन पार्ट मतलब ऑपरेशन ऑफ एन चैनल जेफेट जब वीजीएस इज इक्वल टू जीरो और वीडीएस सम पॉजिटिव वैल्यू. अभी आप इसको मैं समझाऊंगा कि ये वीजीएस और वीडीएस क्या है, ठीक है. इसके बाद सेकेंड पोर्शन है कि जब वीजीएस को हम और ज्यादा नेगेटिव मतलब स्मॉल नेगेटिव करेंगे, और थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव करेंगे. तो इन तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से समझना. ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, पहला पॉइंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन ऑफ जेफेट व्हेन वीजीएस इज इक्वल टू जीरो एंड वीडीएस इज सम पॉजिटिव वैल्यू. अब ये क्या है, दोनों के बारे में समझाता हूँ. अब देखो, ये गेट टर्मिनल है ना, और ऊपर की तरफ ड्रेन है, नीचे की तरफ सोर्स है. इतना क्लियर है? तो जो मैं ड्रेन एंड सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करूंगा, इसका नाम हमने दे दिया वीडीडी, यानी कि ड्रेन टू ड्रेन. और गेट से सोर्स के बीच में जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, उसका नाम मैं वीजीजी दूंगा. लेकिन अभी क्या किया हमने कि गेट से सोर्स के बीच में हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि वीजीएस जीरो है. पहला कंडीशन, वीजीएस इज जीरो हियर, ठीक है. और वीडीएस में सम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया, ये देखो माइनस से प्लस. तो माइनस से प्लस हम वोल्टेज चेक करने के लिए, मैंने आप लोग को बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव. तो डी से एस के बीच में, ये देखिए ये डी है और एस है, ये डी से एस के बीच में पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट होगा. अब आप लोगों से छोटा सा सवाल है, आप लोगों को बताया था इस साइड इनपुट होता है ना, और इस साइड आउटपुट होता है. तो इस केस में इनपुट वोल्टेज क्या होगा, वीजीएस, क्लियर है. और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VDS, क्योंकि आउटपुट साइड में ये जो VDD देख रहे हो ये एक्सटर्नल सप्लाई है, लेकिन जो वोल्टेज डेवलप होगा D और S के बीच में वो क्या होगा, VDS. तो इनपुट वोल्टेज डेवलप होगा VGS और आउटपुट वोल्टेज डेवलप होगा VDS. क्लियर है? ओके. सोर्स ड्रेन और गेट एज इट इज है. इस सोर्स में क्या है, सोर्स में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है सोर्स में, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है. तो जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखो नीचे की तरफ माइनस है और यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जाएंगे. ओके. लेकिन इसके पहले हम देखते हैं इस पे, ये पी टाइप है, पॉजिटिव, ठीक है. और ऊपर की तरफ क्या है, प्लस है. और ये क्या है, ये पूरा ये जो है एन टाइप का है. ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो एन टाइप का है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो अब इसको मिलाना, ये एन टाइप रीजन ऊपर की तरफ प्लस से कनेक्टेड है और ये एन टाइप रीजन नीचे की तरफ माइनस से कनेक्टेड है. एक बार मैं क्लियर करके दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये प्लस साइड है. अच्छा, ये पूरा जो ब्लू रीजन दिख रहा है वो एन टाइप है, नीचे और ऊपर दोनों साइड में. तो ऊपर एन जो है वो प्लस से कनेक्टेड है और नीचे का एन जो है वो माइनस से कनेक्टेड है. इसका मतलब है कि माइनस और माइनस, नीचे वाला जो रीजन है वो करीब करीब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना, और ऊपर वाला रीजन जो होगा वो करीब करीब रिवर्स बायस जैसा बिहेव करेगा. ये ऊपर, क्योंकि प्लस और माइनस हो गया तो ऊपर वाला रीजन जो है वो रिवर्स बायस की तरह होगा. क्लियर? अच्छा, अब अगर ऊपर की तरफ रिवर्स बायस और नीचे की तरफ फॉरवर्ड बायस डेवलप होगा इसकी वजह से, वीडीडी या वीडीएस की वजह, जो एक्सटर्नल सप्लाई हम लगाया उसकी वजह से, तो क्या होगा, ये जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यानी कि ऊपर की तरफ डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा और नीचे की तरफ डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी. ये देखिए, ऊपर की तरफ डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा और नीचे की तरफ डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो है वो कम बनता है और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन जो है वो ज्यादा बनता है. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इस वोल्टेज की वजह से इस एन टाइप मटेरियल में ऊपर की तरफ फॉरवर्ड बायस जैसा रिवर्स बायस बनेगा और नीचे की तरफ फॉरवर्ड जैसा बायस जैसा बिहेव करेगा. तो फॉरवर्ड बायस की जगह की वजह से ये जो पीएन जंक्शन क्रिएट होगा वो नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ ज्यादा बनेगा. इतना आई होप कि आप लोगों को क्लियर है. यहाँ पे रिपीट किया मैंने, व्हेन वी कीप वीजीएस जीरो एंड अप्लाई सम पॉजिटिव वीडीएस, तो क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द चैनल, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स से
करंट जो है वो निकल के ऊपर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. अब इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द डिप्लीशन रीजन इज वाइडर नियर द टॉप ऑफ बोथ पी टाइप मटेरियल, यानी कि ऊपर साइड में जो पी टाइप मटेरियल है इनके ऊपर साइड ऊपर टाइप में दोनों की जो टॉप जो है वो ज्यादा वाइडर है. क्यों? बिकॉज द अपर रीजन ऑफ द पी टाइप मटेरियल विल बी रिवर्स बायस एंड द लोअर रीजन विल बी लेस रिवर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली फॉरवर्ड बायस. लोअर रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस में है एंड अपर रीजन क्या है वो रिवर्स बायस में है. ठीक है, इस वजह से ऊपर की तरफ वाइडर और नीचे की तरफ लोअर होगा. अच्छा, डायोड की वर्किंग से हमने पढ़ा था कि द ग्रेटर द अप्लाइड रिवर्स बायस द वाइडर द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि रिवर्स बायस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी. ठीक है, और इसकी वजह से द डिप्लीशन रीजन जो होगा वो पेनेट्रेट करेगा मोर इनटू एन टाइप बार बिकॉज ऑफ इट इज लाइटली डोप्ड. फिर से एक पॉइंट रिपीट करता हूँ, जो लाइटली डोप्ड होगी उधर डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा अंदर तक जाएगी, जो हाईली डोप्ड होगा उसकी तरफ डिप्लीशन रीजन कम अंदर की तरफ जाएगा. यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज ये बढ़ाते जाऊंगा डिप्लीशन रीजन एन चैनल में ज्यादा बढ़ते जाएगा. एन चैनल का मतलब ये एन टाइप मटेरियल में ज्यादा बढ़ते जाएगा. तो इसकी वजह से ये देखो रिवर्स बायस है, यहाँ पे जो रीजन क्रिएट हुआ है यानी कि इस साइड में वो रिवर्स बायस है. तो रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पे कोई हमने वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है और यहाँ पे रिवर्स बायस क्रिएट हो रहा है, इसलिए आईजी करंट जो है यानी कि गेट करंट जीरो फ्लो होगी. देखिए यहाँ पे द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस फॉर द लेंथ ऑफ द चैनल रिजल्ट इन द गेट करंट ऑफ जीरो एम्पियर्स. ठीक है, और यही आईजी इज इक्वल टू जीरो एम्पियर इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, क्योंकि IG is equal to zero की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही करंट फ्लो होती है. अगर IG फ्लो नहीं हो रहा है तो सिर्फ ID करंट ही फ्लो होगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस. ओके, इस सारे पार्ट्स को फिर से एक बार मैं आगे की तरफ रिपीट करूंगा अभी. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो अगर VGS जीरो था, VGS हमने जीरो रखा था, सेम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी लाइन को. अगर VGS जीरो था लेकिन VDS की वजह से, क्योंकि यहाँ पे VDS पॉजिटिव है यानी कि नीचे की तरफ माइनस है ऊपर की तरफ प्लस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे से फ्लो होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, और उसकी वजह से करंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, अब अगर मैं VDS को बढ़ाऊं, ध्यान रखना मैं ये जो डी से एस के बीच में वोल्टेज मैं बढ़ाना शुरू करता हूं, यानी कि इंक्रीज करता हूं. ओके, तो जो डी से एस के बीच में वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा. क्लियर है, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा तो करंट का फ्लो भी इंक्रीज होगा. क्लियर है, लेकिन दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि ऊपर की तरफ जो डिप्लीशन लेयर है वो भी तेजी से बढ़ेगी. ये इतना ये भी समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैं VDS को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, साथ साथ में आईडी करंट भी बढ़ेगी, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, लेकिन उसके साथ साथ में क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा VDS को, तो ऊपर की तरफ डिप्लीशन लेयर जो है यानी कि रिवर्स बायस बढ़ते जाएगा, और उसकी वजह से जो डिप्लीशन विड्थ है ऊपर साइड में ज्यादा बढ़ते जाएगी, यानी कि जो चैनल है चैनल के साइड में डिप्लीशन की विड्थ जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू करेगी. लेकिन अगर और मैं वोल्टेज बढ़ाऊं आगे की तरफ VDS को, तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगी जहां पे दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करना शुरू कर देंगे. किस तरीके से, दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करना शुरू कर देंगे, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिंच मतलब एक दूसरे को चीटी काटना, पिंच मतलब एक दूसरे को पिंच करना, समझ रहे हो ना, यानी कि दोनों साइड में दोनों पीएन जंक्शन अगर एक दूसरे को टच करने लगे उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज. अगर मैं VDS को बढ़ाते जाऊं तो एक कंडीशन आएगी जहां पे दोनों जो पीएन जंक्शन है वो एक दूसरे को टच करने लगेंगे, और उस कंडीशन को हम लोग पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं. तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे पिंच ऑफ कंडीशन पे क्या होगा, VGS ऑलरेडी जीरो है लेकिन आईडी की जो वैल्यू जो यहाँ से फ्लो हो रही है वो अब क्या होगी, वो यहाँ से फ्लो जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो चुके हैं उतना के बाद आपका करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद, ध्यान समझना, पिंच ऑफ कंडीशन के बाद आईडी जो करंट होगी उसकी वैल्यू सेचुरेट यानी कि कॉन्स्टेंट हो जाएगी. यानी कि अगर मैं इसके बाद VDS को और भी बढ़ाऊंगा तो उससे आईडी में कोई इंक्रीज नहीं होगा. इस लाइन को, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से VDS बढ़ाते जाऊंगा
ठीक है, अगर मैं यहाँ से VDS की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा माइनस से प्लस को, ऊपर की तरफ ज्यादा रिवर्स बायस, नीचे की तरफ ज्यादा फॉरवर्ड बायस होते जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, यहाँ भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और दोनों जो है वो एक दूसरे को टच करने लगेंगे एक टाइम के बाद। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब आईडी करंट भी बढ़ रहा है, साथ साथ में ये डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ रही है, और एक समय आएगा जब डिप्लीशन विड्थ एक दूसरे को टच करना शुरू कर देंगे, उस वोल्टेज पे उसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि द वोल्टेज एट विच बोथ द डिप्लीशन लेयर टच ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को टच करना शुरू कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। पिंच ऑफ कंडीशन के बाद क्या होगा, आफ्टर पिंच ऑफ कंडीशन अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, यानी कि VDS को बढ़ाऊंगा, फिर भी करंट की जो वैल्यू जो होगी आईडी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, सो इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है कि अब समझ लो कि रेगुलेटर हमने लगा दिया, तो रेगुलेटर लगाने के बाद अगर मैं फिर वही काम करता हूं, यानी कि फिर से मैं VGS को बढ़ाता हूं, VGS को अपने सप्लाई दे दिया हमने, अब ध्यान रखना यहां पे VGS को नेगेटिव सप्लाई दिया। नेगेटिव सप्लाई का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सप्लाई का मतलब हुआ, मैं पीछे वाली स्लाइड पे चलता हूं एक बार, नेगेटिव सप्लाई का मतलब ये हो गया कि आपने यहां पे देखो ऊपर की तरफ, नेगेटिव सप्लाई का मतलब ये हुआ कि VGS को मैं नेगेटिव दे रहा हूं और VDS को एज इट इज पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव देने का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ मुझे देना पड़ेगा प्लस, सॉरी ऊपर की तरफ देना पड़ेगा मुझे माइनस और नीचे की तरफ देना पड़ेगा प्लस, तो ये सप्लाई हो गई नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो माइनस और प्लस इसको क्या करेंगे, और ज्यादा रिवर्स बायस करेंगे, पहले तो रिवर्स बायस था ही, लेकिन अगर मैं माइनस और माइनस सप्लाई यहाँ पर निगेटिव सप्लाई दे दिया, तो माइनस और प्लस की वजह से क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा, है ना, और इधर प्लस प्लस की माइनस और प्लस जो होगा इसको क्या करेगा, और ज्यादा रिवर्स बायस करेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की तो समझाता हूं मैं, फैन में पहले बिना रेगुलेटर के चल रहे थे, ठीक है, बिना रेगुलेटर के हम क्या कर रहे थे कि सप्लाई को यहाँ से कभी 100 वोल्ट से स्टार्ट कर रहे थे, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 240 वोल्ट कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, फैन की स्पीड बढ़ रही थी और एक समय आने के बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा था। अब क्या किया हमने, सेम काम किया, रेगुलेटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और रेगुलेटर अप्लाई करने के बाद रेगुलेटर को मान लिया कि मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट पे फिक्स कर दिया, तो निगेटिव वोल्टेज दे रहा हूँ, यानी कि माइनस 4 वोल्ट या माइनस 1 वोल्ट मान लो, यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे माइनस 1 वोल्ट दे दिया, यानी कि रेगुलेटर को 4 पे सेट कर दिया। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बढ़ाऊंगा, यानी कि 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट और 300 वोल्ट तक जाऊँ, मतलब 250 वोल्ट तक जाऊंगा, तो क्या ये जितनी स्पीड पहले, जितनी जितना करंट पहले फ्लो हो पा रहा था, उतना फ्लो हो पाएगा नहीं, यानी कि जो पिंच ऑफ कंडीशन होगी वो जल्दी ही अचीव हो जाएगी, यानी कि जो पिंच ऑफ कंडीशन 240 वोल्ट या काफी देर के बाद आ रही थी, वो यहाँ पे पिंच ऑफ कंडीशन पहले ही आ जाएगी और जो करंट जो है वो पहले ही सेचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेम प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे आप रेगुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, यानी कि आपने टैप में जो वाटर कंट्रोल होता है उसको यूज कर रहा हो, पहले बिना कंट्रोल के था, अभी क्या है इसके थ्रू कंट्रोल कर रहा हो आप, है ना, तो इसके थ्रू कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो आप, निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हो, तो निगेटिव की वजह से क्या हो रहा है, ये रिवर्स बायस और ज्यादा बढ़ रहा है, और रिवर्स बायस की वजह से आपका जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो, ये जो पिंच ऑफ कंडीशन है वो जल्दी आ जा रही है। और अगर मैं और ज्यादा रिवर्स बायस करूं, ज्यादा रिवर्स बायस को बढ़ा दूं, तो क्या होगा, रिवर्स बायस जल्दी आ जाएगा। चलो एग्जांपल पूछता हूं आप लोगों से, अगर मैंने रेगुलेटर के वोल्टेज को, जो वोल्टेज सप्लाई मतलब फैन की एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, रेगुलेटर को हमने 0 पे कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा और वहां पे जो वोल्टेज जो है मतलब फैन जो चलेगा ही नहीं, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको VGS को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया और फिर VDS को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, यानी कि जो ये पिंच ऑफ होगा वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। ओके, और इसी कंडीशन को समझाने के लिए मैं आ रहा हूँ आपको इस स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए यहाँ पे ये कंडीशन, कि अगर समझना यहाँ पे कि अगर इफ एज नेगेटिव VGS इज फर्दर इंक्रीज, अगर VGS को यानी कि रेगुलेटर को मैं बहुत कम पे सेट कर दे रहा हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, तो डिप्लीशन रीजन स्प्रेड मोर इनटू इनसाइड एन बार, यानी कि जो डिप्लीशन रीजन होगी बहुत तेजी से फैलेगी, और इसके बाद
certain value of negative VGS depletion region touch each other. VGS की ज्यादा अगर मैं value set कर दे रहा हूँ तो एक दूसरे को touch करने लगेंगे और channel width is therefore zero, यानी कि channel width जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी और current का flow क्या हो जाएगा, zero होगा. यानी कि अगर मैं VGS को VGS off को pinch off voltage के बराबर कर दूँ, यानी कि जो input supply दे रहा हूँ उसकी वैल्यू को अगर मैं पिंच ऑफ के बराबर कर दूं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा. इसका मतलब कि अगर VGS ऑफ अगर माइनस वीपी या नेगेटिव वोल्टेज है, माइनस वीपी का मतलब नेगेटिव, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाए तो करंट फ्लो ही नहीं होगा. यानी कि अगर रेगुलेटर की रेगुलेटर को हमने जीरो पे सेट कर रखा है तो मैं VDS कितना भी बढ़ाऊं तो वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं 3 से 4 पॉइंट में. पहला पॉइंट, अनबायस कंडीशन, उसमें कुछ कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रही है. दूसरी कंडीशन, इनपुट वोल्टेज को जीरो रखा, यानी कि VGS को जीरो रखा और VDS को हमने क्या किया, पॉजिटिव रखा. उसकी वजह से क्या हुआ, करंट का फ्लो हुआ, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ और अगर मैं VDS को बढ़ाते गया तो एक इंटरवल के बाद दोनों जो डिप्लीशन लेयर है एक दूसरे को टच करते हैं और उसकी वजह से जो ये फॉर्म होती है, कंडीशन फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन. दूसरी कंडीशन, अगर मैं अब VGS को लगा दे रहा हूँ, यानी कि पहले बिना VGS के था, VGS जीरो था, अब इनपुट वोल्टेज मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो अब यहाँ से इनपुट वोल्टेज से आउटपुट करंट कंट्रोल कर रहा हूँ. जैसे ही मैंने VGS अप्लाई किया वो भी निगेटिव में, तो क्या हुआ, जो मेरा इनपुट साइड था वो ज्यादा निगेटिव हो गया और इनपुट साइड जैसे ही ज्यादा निगेटिव हुआ तो मेरा करंट का फ्लो जो है वो कम हो गया, यानी करंट का फ्लो जो है वो आपका रुक गया और पिंच ऑफ कंडीशन जल्दी ही आ गई. अब उसको मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक को बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, वोल्टेज टू करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ड्रेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज. ओके, और यहाँ पे हमने VGS यानी कि इनपुट वोल्टेज को फिक्स रखा है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को फिक्स रखा है. तो सबसे पहले हम ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना. हमने क्या किया, इस साइड में ID रखा जो कि मिली एम्पियर में है और इस साइड में क्या रखा, VDS रखा जो कि वोल्टेज में है, पॉजिटिव वोल्टेज में. और पहली एक कंडीशन लेके चलते हैं, VGS इज इक्वल टू जीरो, जब VGS बिल्कुल जीरो है. ओके, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी अभी जो है वो मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर से अपने आप आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा. ओके, तो अभी समझ लो कि VGS जीरो है, मतलब VGS में कोई निगेटिव सप्लाई नहीं दिया है. ओके, तो VGS जीरो है और यहाँ से मैं VDS को बढ़ा रहा हूँ, ये जीरो से मैं VDS को बढ़ा रहा हूँ. इसको समझना, ये जो ये वाला जो सबसे पहले ऊपर वाला ग्राफ है उसको समझते हैं पहले. सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ से वोल्टेज को अप्लाई VDS अप्लाई करना शुरू किया तो करंट का बढ़ना शुरू हुआ और एक समय आता है जब दोनों PN जंक्शन एक दूसरे को टच करना शुरू करते हैं. ये कंडीशन, ये इस कंडीशन के बाद इसको बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन. तो जैसे ही एक दूसरे को दोनों PN जंक्शन एक दूसरे को टच करना शुरू करते हैं तो पिंच ऑफ कंडीशन आती है और उसके बाद मैं वोल्टेज VDS बढ़ाता हूं तो करंट क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है. कब, जब यहां पे VGS जीरो, यानी कि VGS को हमने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया. ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं, VGS को मैंने निगेटिव रख दिया. जब VGS को निगेटिव करा तो शुरू में ही आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया. अब सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ सेकेंड वाले के लिए, देखिए ये सेकेंड वाला पोर्शन. तो जब मैं VGS को निगेटिव कर दिया और फिर यहाँ से जीरो से वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करता हूँ तो क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू होगा. वोल्टेज मैं VDS को बढ़ाऊंगा, करंट फ्लो होगा और एक, लेकिन यहाँ पे पिंच ऑफ जल्दी ही पहुंच जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पिंच ऑफ है, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज सप्लाई दे दिया है तो रिवर्स बायस कंडीशन ज्यादा डेवलप हो रही है और ये पिंच ऑफ जो है वो इससे पहले अराइज हो जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं VGS को और ज्यादा निगेटिव करता हूँ और VDS फिर से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये पिंच ऑफ कंडीशन और जल्दी आ जाएगी और यहाँ से करंट जो है सेचुरेट हो जाएगा. और अगर मैं पिंच ऑफ को और ज्यादा मैं निगेटिव कर दूं, मतलब -3 वोल्ट पे, तो क्या होगा, पिंच ऑफ जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा इस कंडीशन में. लेकिन अगर मैंने VGS को, यानी देखो -4 वोल्ट पे, अगर VGS को मैंने काफी ज्यादा निगेटिव कर दिया, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर, जितना वोल्टेज पे पिंच ऑफ आ रहा है, तो यानी कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये है,
कि इस ये कंडीशन वो है जहां पे रेगुलेटर का जो नॉब है उसको जीरो पे सेट किया है। तो अगर रेगुलेटर का नॉब जीरो पे है तो कितना भी VDS आप बढ़ाओगे करंट का फ्लो होगा ही नहीं। ये लाइन देखिए, ये यानी कि सबसे पहले अगर मैं जितना ज्यादा VGS निगेटिव है पिंच ऑफ उतना ही जल्दी आ रहा है। पिंच ऑफ का मतलब डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को जल्दी ही टच कर रहे हैं और एन चैनल क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है, ये डॉटेड लाइन जो यहाँ पे दिखा रखे हैं ऐसे, इसको बोलते हैं लोकस ऑफ पिंच ऑफ। ओके, अब इसमें तीन रीजन में डिवाइड करते हैं। जहां पे बिल्कुल फ्लैट है पीएन जंक्शन से ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है ना, तो जो ये बिल्कुल फ्लैट वाला रीजन है ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। और जहां पे करंट फ्लो हो रही है बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह, यानी कि मैं वोल्टेज VDS बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ रही है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ओमिक रीजन। तो पहला रीजन कहलाया ओमिक रीजन। ओमिक रीजन में जो है इसको हम लोग क्या, ओमिक रीजन को वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस रीजन भी बोलते हैं। यानी कि मैं अगर मैं VGS को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ VDS को, तो और तो क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्टली VDS जो है वो कंट्रोल कर रहा है ID को। ओके, और इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस या ये ओमिक रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ की तरह फॉलो करता है। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं V बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने VDS को बढ़ाया तो करंट की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है। दूसरा सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन वो रीजन है जो पिंच ऑफ कंडीशन के बाद आती है, यानी कि पिंच ऑफ कंडीशन के बाद करंट क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, उस रीजन को हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे उसी चीज को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो ये रीजन यानी कि सैचुरेशन रीजन कहलाया, जहाँ पे पिंच अप के बाद यानी करंट बिल्कुल सैचुरेट हो जा रही है, उस रीजन को यहाँ पे सैचुरेशन रीजन कहा गया है। तीसरा रीजन इसमें नहीं दिखाया गया, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन कि अगर मैं VDS को और बढ़ाते जाऊं, VDS की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाते जाऊं, तो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे कि हमारा पीएन जंक्शन में ब्रेक डाउन होता है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो पहला रीजन ओमिक रीजन जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और इस रीजन को हम लोग ओमिक रीजन बोलते हैं, और ये वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यानी कि वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। सेकेंड रीजन सेचुरेशन रीजन हुआ, जहाँ पे करंट बिल्कुल सेचुरेट यानी कि कॉन्स्टेंट है। थर्ड रीजन, अगर इसके बावजूद भी ज्यादा मैं VDS को बढ़ा दे रहा हूँ तो ये ब्रेकडाउन हो जा रहा है, यानी कि ये जो है बिल्कुल करंट जो है बहुत शॉर्ट सर्किट की तरह बहुत हाई करंट फ्लो होने जा रहा है। तो ये हमारा हुआ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसफर बोलते हैं, मतलब इनपुट वर्सेस आउटपुट, आउटपुट वर्सेस इनपुट। ओके, नाउ अब जो हमने यहाँ पे अब VGS की वैल्यू पुट करते जाओ और उसको ड्रॉ करते जाओ, तो जब VGS जीरो है, ध्यान रखना ये VGS जीरो है, और इसको पीछे की तरफ क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि VGS की वैल्यू सारी निगेटिव है, इसलिए हमने निगेटिव साइड में ड्रॉ किया है और इसको पॉजिटिव साइड में ड्रॉ किया है। ओके, तो जब VGS की वैल्यू जीरो है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, जब VGS की वैल्यू -1 है तो करंट की वैल्यू जो है थोड़ी सी कम हो गई, ये देखिए ये पॉइंट, जब VGS की वैल्यू -2 है तो करंट थोड़ा सा और कम हो गया है ना, जब VGS की वैल्यू -3 है तो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट इतना हो, बहुत कम हो गई इस पॉइंट पे, और जब VGS की वैल्यू -4 है यानी कि ये पॉइंट, तो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और इन्हीं सब पॉइंट्स को डॉटेड में मैं मिला दूं तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो और ये जो पॉइंट है इस कंडीशन में हमारा VGS VP के बराबर हो जा रहा है, यानी कि पिंच ऑफ ID इक्वल टू जीरो जब VGS इक्वल टू क्या हो जाए, VP हो जाए, यानी कि पिंच ऑफ जब VGS के बराबर हो जाता है तो ये हमारा कंप्लीट JFET की